अच्छा तो अभी यहीं रहना है? हाँ, सर्दी गर्मी हाँ, क्या जो सरकार जो अभी अभी जो 4-5-11 बातें फेल हो गई हैं, 11 टॉक्स फेल हो गई हैं, तो अब आगे का रास्ता आपका क्या? आगे जाएंगे। क्या करेंगे अब आप? मतलब यहीं रहेंगे? हाँ, कब तक रहेंगे? जब तक बिल माफ हो जाए। बिल पूरे माफ करा के। और अभी जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं? जाएंगे जाएंगे, भाईचारा जाएगा तो हम क्यों पीछे रहे? अच्छा, अब जाएंगे, कहने की लोड़े नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। अच्छा, कितने ट्रैक्टर जाएंगे? 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर हो जाएगा। और आम वाहन जो है, जो भी जन है, उनकी कितनी गिनती होगी ये कोई पता नहीं होगा। तो आज जो पंजाब से लाखों ट्रैक्टर और यहाँ आ रहे हैं, उसके अलावा जहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, और स्पेशल हम दिल्ली वासियों को अपील कर रहे हैं, वो भी लोग हमारे साथ इस संयुक्त मोर्चे के चलेंगे। और इतना वाम बहादुरगढ़, नरेला और जो भी गढ़गांव वगैरह के नजदीक के हैं, जैसा कि इधर अपना फरीदाबाद है, उनके जो भी नजदीक के तकरीबन 50-40 किलोमीटर के लोकल गांव हैं, उनके उनका तकरीबन सारा ही आवाम जो इस आंदोलन में हिस्सा लेगा। जहां तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ बाहर के ही लोग और किसान ही होंगे उस दिन। और ये 26 जनवरी का जो परेड होगा, ये एक वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, एक इतना बड़ा रिकॉर्ड। पर सरकार तो पुलिस तो रोक रही है ना, कुछ भी रोक देगी आपको वहाँ पे? ऐसा है ना, जो सरकार और पुलिस है वो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की नहीं है, और ना ही हमारे को देश के नागरिक समझ रहे हैं। अगर वो हमारे को नागरिक समझ रही होती तो ये जहाँ तक ये नौबत नहीं आनी थी। प्रधानमंत्री को तो हमने वोट दिया है, और उसको हमने प्रधानमंत्री चुना है, और ये लोकतंत्र का राज है। लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले प्रजा का जो हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ इंडिया में उल्टा है, जहाँ जो प्रधानमंत्री होता है या जो कोई भी होता है, एक बार बन जाता है, वो पब्लिक को कीड़े और मकौड़ों की तरह समझता है। और हमें बड़ा दुख है और बड़ा निराशा से ये कहना पड़ रहा है। कई संगठनों ने जाके बात की है उनसे, पर बात फेल ही हो जा रही है। फेल ऐसे हो रही है वहाँ पर जो बात करने, आप नहीं हट रहे हैं अपने रिपील वाले। देखो मैडम, ऐसा है कि जो लोग उस सरकार की तरफ से जितने भी नुमाइंदे आ रहे हैं, वो उनको जितनी चाबी दी जाती है उतना ही वो ताला खोलता है इनका मुंह का, और जितनी चाबी वापस कर लेते हैं उसके बाद फिर वहाँ चले जाते हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो कुछ आगे का फैसला ले सके। वो वहाँ जहाँ से आज से 10 या 11 मीटिंग होंगे वहाँ पर ही खड़े हैं, और टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें बड़ी निराशा हो रही है, और टस से मस हम तो टस से मस कैसे हो जाएंगे? हमारी तो खेती जा रही है, बच्चों का रोजगार जा रहा है, और हमें तो इतना बड़ा दुख है कि कोई भी इंसान जो भी देश के अंदर पैदा हुआ है उसकी हर एक की जरूरत रोटी है। अगर प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, वो भी शायद 3 टाइम खाता होगा, वो भी किसान से खेती का अन्न अनाज का दाना खा रहा है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही। अच्छा, दो बातें और बताइए कि एक तो कि यहाँ पे पंजाब के अलावा और कितने राज्यों के किसान हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मैडम, आपने जो सवाल यही कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कर रहे हैं, और कोई दूसरा देश का, साउथ का, नॉर्थ ईस्ट का कहीं नहीं आ रहा है। मैडम, जो आपने सवाल किया, मुझे तो आप पर भी शक हो रहा कुछ। अगर आपको ये चीज की समझ नहीं आई तो मोदी, आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग संगठन के यहाँ नेता है, आप लोग तो इतने दिनों से घूम रहे हो, आप मीडिया वाले हो, आपने खुद देखा होगा कि कहाँ ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन ही नहीं रहा, ये वर्ल्ड का आंदोलन होगा। पिछले कुछ 25 या 30 दिन पहले 192 देशों में हमारे जो राजदूत थे उनके मैसेजों पर हमारे पंजाब के और पूरे जो भी इंडिया के लोग थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद जहां जो आप बोल रहे हैं कि ये पंजाब के नहीं हैं, इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, मद्रास, उसके अलावा जो भी पूर्व साइड के असम से मेघालय, असम, जो तकरीबन कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिसमें ये आंदोलन नहीं फैल रहा, जिसके लोग हिस्सा नहीं ले रहे। इसलिए ये आंदोलन महा आंदोलन हो गया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है, और ये इतना बड़ा आंदोलन आज तक ना हुआ ना ही होगा। तो और वो जो 3 मांगे हैं, वो यानी MSP पे आप राजी हैं या नहीं? हम MSP पर भी राजी हैं, लेकिन जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो तक हमारा कोई फैसला नहीं है कि हम वापस जाएंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम, मैं किसान आगू सूबेदार बलकार सिंह कोटली, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आगू, और
डिस्ट्रिक्ट तरन तारण। अच्छा, आप भी कोई संगठन के? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। ठीक है, मतलब अभी रहेंगे यहीं बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ रहेंगे और 26 जनवरी के बाद चढ़ के हिस्सा लेंगे और लाखों ट्रैक्टर और आवाम की तो कोई गिनती नहीं होगी। इसी रास्ते से रास्ता तो हम उसी टाइम बाद में बताएंगे और जो भी हमारी जो आगु है मेरे पंजाब के और जो भी हमारी संगठन का होगा जो जो रूट देंगे हम उसी रूट पर जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत मेहरबानी। आपका चैनल? मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल, बहुत मेहरबानी। मैडम शुभ चलाएंगे आपको। प्रीति प्रकाश, प्रीति प्रकाश, थैंक यू बहुत बहुत। ओके मैडम, ओके, थैंक यू।